अस्सलामुअलैकुम, आज मैं आपके साथ बोनलेस चिकन की रेसिपी शेयर करूंगी जो कि बहुत ही जल्दी बन जाता है और बहुत ज़्यादा टेस्टी है। तो आप इस बोनलेस चिकन को इंजॉय करें। कैसे आप ये बनाएंगे, इसके लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए होगी, आइए आपको बताते हैं। तो इस ज़बरदस्त से बोनलेस चिकन के लिए हमें चाहिए होगा जी, तो यहाँ पे हमने ये बोनलेस चिकन ले लिया है, 1 kg हमने ले लिया है। इस तरह से बड़े बड़े इसके पीसीस हैं। तो इसके अंदर हम डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 2 tablespoon। अभी फ्लेम मैंने ऑन नहीं किया हुआ, बंद है, और इनको इस तरह से इस लगा लेंगे सारे चिकन को। अब हम फ्लेम ऑन कर देंगे। तो अब मैंने फ्लेम इसका ऑन कर दिया है। बहुत ही मज़े की ये डिश बनती है, आप इसको जब ट्राई करेंगे तो आपको भी बहुत अच्छी लगेगी। तो अब मैंने फ्लेम ऑन कर दिया है और इसको मैं ढक दूंगी। अभी मैंने इसमें पानी वगैरह कुछ भी नहीं डाला। इसको तकरीबन 5 मिनट हो गए हैं, देखिए इसने अपना पानी खुद से छोड़ा है। अब मैं इसके अंदर डालूंगी ऑयल। ये देखिए इसका कलर जो है वाइट हो गया है। तो अब इसके अंदर हम ऑयल ऐड करेंगे तकरीबन 1/2 कप। 1/2 कप मैंने ऑयल इसके अंदर ऐड कर दिए। अब कुछ मसाले इसमें और हम ऐड करेंगे। जी तो इसमें हम काली मिर्च डालेंगे। काली मिर्च इसमें ज़रा ज़्यादा डलेगी, तो हम 1 teaspoon काली मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे। मिक्स करेंगे। इसमें वाइट विनेगर डालेंगे हम। तकरीबन 1 tablespoon सोया सॉस डालेंगे, 1 tablespoon चिली सॉस डालेंगे, 1 tablespoon मिक्स कर देंगे अच्छे से। ऐड करेंगे इसके अंदर गरम मिर्च, गरम मिर्च हमने 1/2 teaspoon ऐड किए, और हम इसके अंदर डालेंगे टिक्का मसाला डालेंगे 1 teaspoon। टिक्का मसाला की रेसिपी मैंने अपने चैनल पे डाली हुई, आप वहाँ से भी देख सकते हैं या फिर कोई और अच्छे ब्रांड का भी आप ले सकते हैं। तो मैंने बहुत ही ज़बरदस्त सा टिक्का मसाला की रेसिपी अपने डाली हुई है, आप देख सकते हैं। इसको मिक्स कर दें और हम इसके अलावा इसके अंदर डालेंगे टमाटर की पेस्ट डालेंगे 1 cup। तो टमाटर की पेस्ट ऐड कर दी है मैंने, इसको भी मिक्स कर देंगे। और इसको 5 मिनट के लिए ढक देंगे। 5 मिनट हो गए, कुछ और मसाले ऐड करेंगे जिनमें सफ़ेद जीरा है साबुत वाला 1 teaspoon। अब नमक हमने अब ऐड करना है, तकरीबन 1 teaspoon नमक ऐड किया मैंने। धनिया पाउडर ऐड करेंगे 1.5 teaspoon, और गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे 1 teaspoon। सबको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। बहुत ही ज़बरदस्त सी स्मेल आ रही है। और इसका कलर भी बहुत ही शानदार है। ऑलमोस्ट ये डन हो गया है, बस थोड़ा सा ही और रह गया पकने के लिए। अच्छा, थोड़ा सा हम दही ऐड करेंगे, तकरीबन 1/4 cup। गोश्त हमारा बहुत ही टेंडर हो गया है, अच्छे से गल गया है।
तो 2-3 मिनट हम और इसको पकाएंगे बस दही का पानी खुश करने तक। देखिए दही का पानी बिल्कुल खुश हो गया है, अब हम इसके अंदर डालेंगे हरा धनिया और डालेंगे हम कुछ कटी हुई हरी मिर्चें 2-3 और अदरक डालेंगे कटा हुआ और इसको हमने सिर्फ 2 मिनट दम पे रखना है। तो मैं आपको 2 मिनट बाद इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। देखिए 2 मिनट हो गए, वाह बहुत ही ज़बरदस्त सी हमारी बोनलेस चिकन जो है बिल्कुल रेडी हो गई है। बहुत ही मज़े की है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी इसकी स्मेल आ रही है। तो अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए, क्योंकि इससे आने वाली मेरी हर नई रेसिपी सबसे पहले फ्री में आप तक पहुँचेगी। अल्लाह हाफिज़।